रायपुर में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पर निशाना साधा। अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश सरकार को रोजगार के विषय पर बात करने का हक नहीं है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.5% है। इसका मतलब ये है कि प्रदेश में रोजगार की जरूरत और बेरोजगारी भत्ते की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कोई भर्ती निकलती है तो लाखों लोग फॉर्म क्यों भरते हैं। मुख्यमंत्री के ट्वीट पर पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एक माइलस्टोन बता दे कि जिसे पिछले 5 साल में रखा गया हो। पर माननीय भूपेश बघेल जी को भिलाई में IIT का परिसर देख लेना चाहिए, भिलाई में कितने यूनिवर्सिटी है उसको देख लेनी चाहिए, भिलाई से यहाँ का 4 लेन देखना चाहिए, अभी जो बन रहा है उसको देखना चाहिए। कहीं पे लेवी वसूली नहीं हो रही है, कहीं पे खनिज चोरी नहीं हो रही है। एक माइल स्टोन बता दें, एक जिसको इतिहास में 5 साल को रखा जाए, रेवड़ी छोड़ उसको बता दें। अंबिका सिंह देव बहुत ही भद्र राजघराने से आती हैं, उनके पतिदेव साहब भी बहुत एकेडमिक आदमी हैं। कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें पूरे सिंहदेव परिवार की उपेक्षा, और सिंहदेव परिवार के बारे में जो दृष्टिकोण श्री भूपेश बघेल जी का है वो जग विख्यात है भाई। उसके लिए बड़ी बड़ी कमेटी नहीं बन रही, यहाँ कोई टेंट हाउस नहीं बन रहा है, कोई होटल बुक नहीं हो रहे हैं, कोई 17 ठो समिति नहीं बन रही है। आराम से हमारा काम ऐसे ही चलता है, चलते रहता है निरंतरता। 24×7×365 वाली पार्टी है, प्रचार प्रसार वाली पार्टी नहीं है अपन। कि 0.5% है, मैंने 0.1% बढ़ गई। पिछले बार वो संस्था ने 0.4% कहा था, 0.5% हो गई। इसका मतलब यह छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में नौकरी की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता की जरूरत नहीं है। इसलिए रोजगार के विषय में इस सरकार को बात करने का हक ही नहीं है।